यो व्हाट इज़ अप गेमर्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम लोग खेलने वाले हैं हाइड ऑनलाइन। तो इस गेम के रूल सिंपल है कि अगर आप हंटर बनते हो तो आपको जो प्रॉप्स है उनको मारना है, और अगर आप प्रॉप बनते हो तो आपको हंटर से बचते रहना है। तो अभी अपन चलते हैं, गेम स्टार्ट करते हैं। अभी अपना गेम लोडिंग हो रहा है, तो फिर देखते हैं अपन क्या बनते हैं। तो गाइज अभी पिछला गेम चल रहा है, तो अभी भी पिछला गेम ख़त्म होगा तब अपना गेम की बारी आएगी। तो गाइज बस अपना 10 सेकंड में अब गेम स्टार्ट होने ही वाला है। और ये पिछले गेम के मतलब बेस्ट प्लेयर है स्वीट आर्ट, वाह क्या नाम रखा है, एकदम स्वीट आर्ट गजब। गाइज अभी अपना गेम स्टार्ट हो रहा है और अभी अपन बने हंटर। तो इसमें करना कुछ नहीं है गाइज, अपन को बस जो प्रॉप्स है उनको मारना है। ये रहा गाइज अपने सामने एक प्रॉप है, और अभी जैसे कि अभी स्टार्ट होगा गेम। इधर ग्रेनेड फेंक लेते हैं, मिस्टर अनपरफेक्ट ने मार दिया है, अब देख ही सकते हैं। अब आगे चलते हैं, और कोई ड्रॉप मिलेगा तो उसको भी मारते हैं। वैसे गाइस मेरे को लग रहा है ये कुर्सी नहीं, ये सारी कुर्सियां सही है। ये बर्गर यहाँ क्या कर रहा है, गेम स्टॉप में बर्गर का क्या काम गाइस, मेरे को ये तो बताओ। यहाँ वैसे सब सही लग रहा है। और हाँ गाइस आपको एक बात बताना भूल गया कि जो प्रॉप्स है वो अपन को किसी भी टाइम में मतलब एनिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो बच के निकल जाएँ। जैसे गाइस ये रहा किधर भागेगा भाई, भाग गया किधर गया। अबे यार ये मेरे को गोल गोल घुमा रहा है क्या यार, चलो कोई बात नहीं अपन बच गए। तो गाइस अभी अगला प्रॉप यहाँ कहाँ से होगा, ये प्रॉप हो सकता है, नहीं ये प्रॉप नहीं है। अभी चलते हैं अपन बाहर कहीं, मेरे को लगता है गोलियाँ चल रही हैं, मतलब प्रॉप्स दिख रहे हैं लोगों को। और ये रहा अभी अपन चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ कहीं और कोई प्रॉप है क्या। अरे दिख तो नहीं रहा कि यहाँ कोई प्रॉप है, किसी ने किसी को मुर्गी में कन्वर्ट कर लिया, कोई एंटर मुर्गी में कन्वर्ट हो गया गाइस। अपन देखते हैं कहाँ है, कोई बस प्रॉप दिख ही नहीं रहा यार इस बार। पिछली बार क्या हुआ था गेम में कि मतलब आप आराम से किसी प्रॉप को देख सकते हो, ये तो शायद अपनी जगह थी, यहाँ नहीं आ सकता कोई भी, यहाँ भी कोई नहीं है। हंटर गोलियाँ चला रहे हैं, मतलब गाइस यहाँ कोई था। तो गाइस अभी तक अपना एक किल है, मतलब अपन एक किधर गया, यहाँ टॉयलेट में कोई छुपा है क्या, टॉयलेट में कोई नहीं छुपा। अरे गाइस अपने पीछे पीछे पीछे, गाइज मेरे को लगता है कोई है भाई, डब्बा आया बुक चेंज हो गया गाइज। दो प्रॉप्स है यहाँ गाइज मेरे को बकरी बना दिया यार इन्होंने, अरे फटाफट बकरी से डिस्पॉन हो यार, मेरे को मारना है मेरे को उनको। यहाँ पीछे एक और था शायद गाइज, अरे यार ये एक तो प्रॉप्स इतने तेज भागते हैं। तो गाइज अपन ने एक को मार दिया और हंटर जीत चुके हैं, मतलब इजी गेम था पहला वाला, इतना कुछ हार्ड नहीं था। तो अभी मेरे हिसाब से अपन बने एक प्रॉप। और प्रॉप्स में क्या है प्रॉब्लम गाइज, मतलब एक प्रॉब्लम आती है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद मतलब अपने आप से मतलब लोगों को आग दिखना लगेगा कि आप यहाँ छुपे हुए हो। तो अभी अपने पास 3 मिनट है और सभी डब्बे बने हुए हैं, अभी अपन धीरे धीरे इसको पिग में कन्वर्ट करते हैं। अभी पिग में कन्वर्ट हो नहीं हो पा रहा है यार, भागना पड़ेगा गाइज। यार इतनी जल्दी मैं कॉट हो गया, कोई बात नहीं गाइस मेरे को लगता है अपन रिस्पॉन कर सकते हैं। एक बार रिस्पॉन कर लेते हैं, इस बार अपन बने हैं चेयर बने हैं गाइस, मतलब ये सही है, इसमें पकड़ने के चांसेस बहुत कम है। तो अभी अपन अपने पास पिकी का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब लड़की देख के चली गई यहाँ कोई नहीं है गाइस। आगे चले क्या, अभी अपन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म। ओह ये मार रहे हैं, भागो गाइस भागो। यार फिर से पकड़ लिया, ये एक गेम है मतलब मेरे हिसाब से 2 बार स्पॉन हो सकते हैं और अभी रिस्पॉन नहीं हो पाएंगे अपन। हंटर जीत गए यार, मतलब प्रॉप बनना मुश्किल है गाइस हंटर के मुकाबले। तो अभी अपन वापस हंटर बने हैं, और अभी इस बार तो मतलब प्रॉप्स को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना कि प्रॉप्स बनना हार्ड है, हंटर तो बहुत ईजी है, मतलब आराम से हो जाएगा। ओह मेरे को दिख गया स्टार्टिंग में कोई,
मेरा गाइस, और ये मार दिया अपन ने मिस्टर अनपरफेक्ट, मतलब मरते मरते उसने अपन को बकरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है गाइस, यहाँ मेरे हिसाब से शायद तक नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई है क्या? नहीं, इधर भी कोई नहीं है। ठीक है गाइस, मतलब अभी सिंपल है। और ये सोडा कैन किधर गई? सोडा कैन ये रही। तो गाइस अपन ने, अरे यार ये अपने नाम आया ही नहीं, किसने मारा ये? तो इधर तो मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं है, अपन आगे चलते हैं, आगे कोई मिलेगा तो। इस रूम में मेरे हिसाब से कोई नहीं है, गाना बज रहा है, मतलब वहाँ गाइस कोई ना कोई है। ये एक ही टॉयलेट है यहाँ, बाकी दोनों कहाँ गए? तो गाइस अभी अभी कोई है, किचन में चलते हैं, किचन में शायद कोई ना कोई होगा। किचन में कोई है? कोई है नहीं गाइस, मेरे को नहीं लगता यहाँ कोई है। इधर कोई है? इधर वैसे दिख तो नहीं रहा, एक बार शूट कर लेते हैं। नहीं, ये क्लास नहीं, मेरे को लगा था ये होगी। ठीक है गाइस, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई छुपा हुआ है। अपनी हेल्थ बहुत कम है गाइस, तो अभी अपन को सोच समझ के गोली चलानी होगी, वहीं चलानी होगी जहाँ अपन को 100% पता है कि कोई ना कोई प्रॉप है, अंदर कोई है गाइस। ठीक है, हाँ ये रहा, ये बर्गर बहुत चल रहा है गाइस, उछल रहा है। और अभी अपने पास यार ग्रेनेड नहीं है, बाकी तो मैं मार देता इनको। किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा। ठीक है गाइस, इन्होंने मार दिया, मतलब इजीली मार दिया, इतना कुछ हार्ड नहीं था। अभी अपन देखते हैं और कोई प्रॉप है क्या यहाँ। मतलब गाइस इसमें होता है कि अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अगर अपन सही चीज़ के, मतलब अगर एक बार भी भूल जाएगा यहाँ ये चीज़ नहीं थी, तो अपन गलती कर सकते हैं। तो अभी यहाँ मेरे को नहीं लगता कोई है, ये रहा गाइस, ये हो सकता है। हाँ मैंने बोला ना कि यहाँ बर्गर नहीं था। किधर गया, किधर गया, इधर आ। तो गाइस यहीं 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 कहीं है वो। अबे किधर गया वो, इतनी जल्दी बाहर निकल गया। गाइस मेरे को क्या लगता है कि वो यहाँ छुप गया है यार, वो बर्गर चकमा देके निकल गया यार, वरना तो अपन गेम जीत ही जाते हैं। ठीक है गाइज, और प्रॉप्स को ढूंढते हैं। वैसे यार इस रूम में शायद ही कोई प्रॉप होगा, क्योंकि मतलब हर बार आ रहा हूँ, हर बार यही रूम है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं है। 10 सेकंड बचे गाइज, कम ऑन, अपन को फास्ट ढूंढना पड़ेगा उनको। तो यहाँ सारे बॉक्सेस बराबर है, बराबर है, बराबर है गाइज, सब बराबर है। प्रॉप्स है कहाँ? यहाँ टॉयलेट भी एक है। प्रॉप्स जीत गए गाइज, ये बचा था। तो इस बार प्रॉप जीत गए गाइस। तो अभी मेरे हिसाब से इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।